Hello you all. In this video tutorial, I am going to show you how to create a double explosion photo in Photoshop. So let's get started. सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को Photoshop ओपन करना है और इस पे उस फोटो को इंपोर्ट करना है जिसको आपको डबल एक्सप्लोजन बनाना है. तो मैं चलिए तो सिंपली मैं उसे ड्रैग कर लेता हूँ. मैंने सिंपली इंपोर्ट कर लिया इसमें. अब मैं बताता हूँ मुझे करना क्या है. मैं क्या करूँगा कि ये जो मॉडल है, मुझे क्या करना है कि इस इमेज को इस मॉडल के ऊपर जाके लगाना है ताकि इस मॉडल भी सही दिखे और वो फोटो भी इस पर सही से दिखे. तो वो फोटो क्या कहलाता है, डबल एक्सप्लोजन फोटो कहलाता है. तो चलिए सबसे पहले मैं ये रिमूव कर लेता हूँ. तो ये मैंने रिमूव कर लिया. उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये फोटो को इस फोटो को आपका लॉक ओपन करना है, मूव टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसे ड्रैग करना है और इस मॉडल के ऊपर लाके पेस्ट कर देना है. आप देख सकते हैं कि ये फोटो काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे. तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा और इसे स्केल डाउन करूँगा मैं. और आपको एक बात याद रखना है, जब आप स्केल डाउन कर रहे हो तो आपको शिफ्ट होल्ड करके रखनी है. इससे क्या होता है, आपकी पिक्सल खराब नहीं होती है. ये सही लग रहा है मुझे. एंटर प्रेस कर दीजिए. उसके बाद इसका ओपेसिटी बढ़ा दीजिए. अब क्या करना है आप लोग को, इस लेयर को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, इसको ओवरले कर देना है, सॉरी स्क्रीन कर देना है. स्क्रीन करने के बाद क्या होगा, ये फोटो आपको उस मॉडल के ऊपर ये फोटो आपको बन जाएगी. उसके बाद क्या करना है दोस्तों आप लोगों को, मुझे ये जो मॉडल दिख रही है इसको मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए. बट मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं रहने दूंगा, मैं बाद में इसको रिमूव कर दूंगा. अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मार्क्स पे क्लिक करना है. मार्क्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो दिख रहा है, न्यू फाइल एडजस्टमेंट लेयर, इस पर क्लिक करना है और आपको ग्रेडियंट पे सेलेक्ट करना है. ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कलर चूज करनी है, कौन सी कलर से आप करना चाहेंगे. तो मैं सिंपली इसे चूज कर लेता हूँ और ये जो ब्लू यहाँ ऑरेंज है इसको मैं चेंज करके ब्लू कर देता हूँ. ये जो ग्रीन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं इसे मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ. ओके एंड ओके प्रेस कर दीजिए. उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पे इस ग्रेडियंट लेयर पे क्लिक करके उसके बाद इसको आपको ओवरले बना देना है. तो ये देखिए आपका मॉडल पे ये डबल एक्सप्लोजन फोटो आ चुका है. अब आपको क्या करना है कि मुझे इसके आप लोग ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं. तो मैं देख लेता हूँ मुझे कैसा चाहिए. ये बिल्कुल परफेक्ट है. अब मैं क्या करूँगा, हाँ दोस्त मैंने क्या किया, ये लेयर पे सेलेक्ट किया, मुझे क्या चाहिए, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए. तो मैं सिंपली जूम कर लेता हूँ और मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ. आप इसकी हार्डनेस कम कर दें, ज़्यादा हार्डनेस मत रखें, 24 और 25 सही है. उसके मैं ब्रश साइज छोटी कर लेता हूँ. उसके बाद आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं. ये देखिए आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ. देखिए परफेक्ट. अब मुझे यहाँ हाथ से भी रिमूव करनी है. आप लोग जितनी अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से कर लीजिए. ये देखिए हमारा ये डबल एक्सप्लोजन बन चुका है. अगर आप चाहे तो इसकी ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए, और कमा भी सकते हैं. आपको जैसा मन आप वैसा कर सकते हैं. तो मैं सिंपल जैसा था मैं वैसे रहने दूंगा, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है. तो इस तरीके से आप डबल एक्सप्लोजन फोटो क्रिएट कर सकते हैं. तो दोस्तों आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे हमें चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. तो थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल. स्टे ट्यून्ड विद XOAD. थैंक यू. पीस. जय हिंद.